वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैंने शारवा ले लिया है और मैं जा रही हूँ बनाने ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मूंग दाल की सब्जी। तो अगर आप चने राजमा ये सब खा के बोर हो गए ना, तो ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, फॉर अ चेंज आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड यस हेल्दी भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करती हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो घरेलू ब्लॉग ही रहने वाला है, क्योंकि आज हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। हो सकता है शाम को कहीं जाए, बट फिलहाल कोई प्लान नहीं है, तो आज घर वाला ही ब्लॉग होगा। तो यस चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। तो ये जो मूंग है इसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है पानी में और ये अच्छे से फूल गया है अभी। तो ये एक प्याज लहसुन और मिर्च जाएगा मिक्सर में और ये तड़के के लिए है। तो दोनों अलग अलग करके मैंने काट लिया है और इसे अब हम पीस लेंगे। लास्ट में मैंने इसे कुकर में 1 से 2 सीटी तक लगाया था। आप चाहे तो पहले ही मूंग को बॉईल कर सकते हैं, देन करी बना सकते हैं। सो ये पराठे के साथ, पफ राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है एंड एक बार मूंग दाल वाली सब्जी आप जरूर ट्राई करिएगा। और करते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप ऑलरेडी ये रेसिपी बनाते हैं। और ये देखिए ऋत्विन को ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है जब से वो नानी के यहाँ से आया है, क्योंकि वहां पे बहुत लोगों के साथ रहता था हमेशा, कभी इधर कभी उधर, कभी उनके घर कभी इसके घर, मेरे पास तो रहता ही नहीं था। तो ये थोड़ा सा अभी अकेला फील कर रहा है, बट ऋत्विन इज अ टाइप ऑफ बॉय ना कि वो एडजस्ट कर लेता है, कहीं पे भी ज्यादा लोग हो कम लोग हो वो खुद से ही खेल लेता है, तो उतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट 1-2 दिन बच्चों को या फिर दिन में 1-2 बार ऐसा लगता है कि हाँ अभी मैं उनके यहाँ था, अभी मैं उनके साथ खेलता था। तो हमारे घर के पास एक लड़की रहती थी जिसको आपने पतरातू ब्लॉग में देखा होगा, बेबो, तो उसके साथ ये काफी ज्यादा अटैच था, दिन भर उसी के साथ रहता था एंड उसके वजह से ना इसकी वोकैबुलरी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। सो थैंक्स टू हर। एंड वो मिस करता है अभी बेबो को, बहुत ज्यादा मिस करता है, कभी कभी बोलता है बेबो मौसी कहाँ गई, बेबो मौसी नहीं है। सो ये थोड़ा बहुत मिस कर रहा है, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर जाएगा 1-2 दिन में। एंड वैसे वो दिन भर नहीं याद करता, बस कभी किसी किसी मोमेंट पे उसे लगता है कि अभी मैं वहां रहता, या फिर शाम को जब वो बाहर जाता था नानों के साथ पेड़ा खाने, तो वो सब वो
मिस करता है। सो यस, और मैं भी थोड़ा सा अकेला अकेला मुझे लग रहा है। इनफैक्ट मैं बताऊँ तो मुझे कुकिंग करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे 2.5 महीने मैंने कुछ भी नहीं बनाया। बस एक दिन मैंने एक रेसिपी बनाई थी एंड उसके बाद मैंने कोई कुकिंग नहीं की है। सारा मम्मी के हाथ से खा के यू नो आदत पड़ गई है, और खुद से कुकिंग करने का मन ही नहीं कर रहा। और कुछ बना रही हूँ ना तो वो टेस्ट यू नो नहीं आ रहा। अच्छी बन रही है बट वो टेस्ट नहीं आ रही है, तो इस टाइप का है। और प्रिंस अभी सो रहे हैं तो मैं उनसे बात कराती है आपकी कि उनका बैचलर जो भी बैचलर डे चल रहा था 2.5 महीने वो खत्म हो गया, कैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलवाऊंगी उनसे। एंड अभी उनको ड्यूटी भी जाना है तो फटाफट से मुझे लंच भी बनाना है। आज सैटरडे है तो मैं बनाऊंगी खिचड़ी और आलू का चोखा, सिंपल। एंड उनके लिए कैरेज में मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल्स एंड पराठे, तो वो हमारा रात को भी हो जाएगा, तो रात के खाने का टेंशन नहीं है। रात को देखती हूँ थोड़ा सा, शाम को देखती हूँ थोड़ा सा, बाहर एक दो चीज लाना है तो वो जाऊंगी लाने के लिए। फिलहाल अभी बना लेते हैं लंच। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स वेजीज, जैसे मैंने बताया था। उसके लिए मैंने लिया है एक फ्रेश ब्रोकली, बहुत ज़्यादा फ्रेश था आप देख सकते हैं, एंड और 3 से 4 अनियंस लिए थे। ये मशरूम मैंने फ्रिज में रख दिए थे इसलिए ये थोड़ा सा काला हो गया बट ख़राब नहीं हुआ है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टमाटर और ढेर सारी हरी मिर्च, एंड ये मटर। मटर मैं हमेशा निकाल के फ्रिज में इसी तरीके से रख देती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं करी। चले गए ड्यूटी, 4 बज रहा है अभी, और मैं आ गई हूँ बेडरूम में इसे सुलाने के लिए, क्योंकि बहुत जोर से नींद आ रही है। आप देख सकते हैं इसे, इसकी आदत है आफ्टरनून में नैप लेने की, तो ये अभी सो जाएगा। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धुल लूंगी एंड फिर शाम को जाना है सब्जी लाने के लिए और थोड़ी बहुत चीजें हैं वो लाने के लिए। तो मैं इसे सुला देती हूँ और थोड़ा सा नैप जो है ये ले लेगा और मैं अपना काम फिनिश कर लूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाय गाइस, सो रित्विन उठ गया है सो के एंड अब मैं इसे दूंगी दूध, उसका दूध वहां पे गर्म हो रहा है। तो उसके बाद मैं जो सोच रही हूँ कि मार्केट चली जाऊं रित्विन को मैं अपने फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे लेने हैं वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो कुछ एक दो चीजें लेनी है विच आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे मिलेगा। नहीं बात करने दोगे? विच आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे मिलेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, बस सामने ही जो लेन्स है वहीं पे मैं चेक करके आऊंगी। एंड दोनों हाथ पे सामान रहेगा तो रित्विन को लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इस एज के बच्चे यू नो कि कहीं चिप्स दिखा, कहीं आइसक्रीम दिखा, दे रन अवे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सामान के साथ रित्विन को हैंडल करना। तो इससे मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे ड्रॉप करके जाऊंगी और आते टाइम इसे लेके आ जाऊंगी। सो सबसे पहले इसे दूध दे देती हूँ, और ये पहले से ही ग्लास लेके बैठा हुआ है। पकड़ो, दूध लेके आते हैं, ठीक है? पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, घर पे आसपास भी निकल रहे थे तो, क्योंकि उतने ज्यादा केसेस नहीं थे। बट यहाँ पे अगर आप नीचे कुछ रिसीव करने भी जा रहे हो तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, कंपलसरी भी, और लगाना भी चाहिए। सो यस, लेट्स गो। गाइज,
गाइज आई रीच्ड होम एंड मैं वेजिटेबल्स लाने के साथ साथ अपने लिए ट्रैक पैंट के लिए भी गई थी इन माई लेन्स ओनली. सो मुझे ज्यादा वैरायटी नहीं मिली. इनफैक्ट मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिला ही नहीं. आई एम अ बिग फैन ऑफ लक्स लायरा ट्रैक पैंट्स. बहुत ही अच्छे फिटिंग्स आते हैं उनके. तो उनका भी ना एक पर्टिकुलर डिजाइन है लक्स लायरा का जो ही मुझे पसंद आता है. सो क्या है कि जब मैं घर गई थी तो ट्रैक पैंट्स मैं पूरा दिन मेरा जो है ट्रैक पैंट में ही चला जाता था क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म करता था वहां पे विंटर में ना. जो लोअर जो मैं लेके गई थी वो मैं पहन ही नहीं पाती थी. तो ऑन एंड ऑफ मैं दो ट्रैक पैंट लेके गई थी. ऑन एंड ऑफ वही पहनती थी तो वो अब थोड़े से खराब हो गए दो ढाई महीना लगातार पहनने की वजह से. तो मैं गई थी ट्रैक पैंट ढूंढने के लिए ताकि मैं अपनी वॉकिंग स्टार्ट कर सकूं क्योंकि घर जाकर तो बहुत सारा वेट मैंने पुट ऑन कर लिया है. उन्हें शेड ऑफ भी करना है. सो वहां पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड द शॉप वॉज लिटरली एम्प्टी वहां पे और कोई भी नहीं था. एंड यू नो आप कहीं जाते हो वहां पे कोई ना हो तो बिना कुछ लिए वापस आओ ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है. तो अब मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था. तो एक ट्रैक पैंट मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा था. इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है. बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ये. मुझे पसंद नहीं आ रही थी बट लेना पड़ा. ये 379 का है. जस्ट 379 रुपीज का था तो मैंने ले लिया. एंड ओके कलर वलर ठीक ही है. सो कुछ दिन चल जाएगा तो मैंने इसे मजबूरी में ले लिया और कुछ भी मैंने नहीं खरीदा. मुझे टी शर्ट भी पसंद आ रहे थे बट यू नो बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं थे. लोकल मार्केट जैसे लगता है ना कोलकाता में दिल्ली में तो उस टाइप का माल था. लग रहा था जैसे स्ट्रीट वाला माल उठा के शॉप में रख दिया है. तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था बट क्योंकि मैं अकेली थी वहां पे तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ा मुझे. तो मैं ये ट्रैक पैंट लेके आई हूँ. ये कुछ इस तरीके का दिखता है आप देख सकते हैं. और नीचे ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. तो जनरली मुझे टी शर्ट या फिर ट्रैक पैंट कुछ भी कह लो उसमें अगर कुछ लिखा हो ना तो पसंद नहीं आता. वो भी बड़े बड़े अक्षरों में. मुझे प्रिंटेड फ्लावर प्रिंट या सेल्फ प्रिंटेड कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं. कुछ जैसे यहाँ लिखा रहता है वो सब मुझे नहीं पसंद आते. बट ये थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो मैंने ले लिया. चलो कुछ दिन मैं पहन लूंगी इसे अदरवाइज मैं घर पे पहन लूंगी इसे. सो ये मैं ले खाना खा लिया है. रितविन ने भी खा लिया और अब मैं उसे थोड़ा सा पढ़ा रही थी एंड पढ़ाई भी पूरा हो गया है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमरा पूरा मेस्ड अप है. मैंने अभी तक अनपैकिंग नहीं की है और ये सारे चीज जो है मुझे क्लीन करना है. कुछ गंदे हैं कुछ साफ है सब ऑर्गेनाइज करना है. ये पूरा कमरा ही ऐसे फैला हुआ है. सो ये सब मैं करूंगी कल. अब मुझे आए 3-4 दिन हो गए बट अभी भी मैंने ये सब कुछ भी शॉर्ट नहीं किया है. तो यू नो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे वर्क मोड में आने में क्योंकि वहां पे तो मैं जस्ट आराम कर रही थी और कुछ भी नहीं. सो अभी 11 बजने वाला है. यस आज थोड़ा सा लेट हो गया सोने में क्योंकि मैं वहां से ही आई 9 बजे. एंड जब रितविन को लाने गई तो वहां पे भी अपनी फ्रेंड के यहाँ थोड़ी देर बैठ गई थी. तो वहां से आने में 9:45 हो गया था. फिर हम लोगों ने डिनर किया रितविन को पढ़ाया मैंने तो टाइम हो गया 11 बज गया. अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए. सो ये जो व्लॉग है यहीं तक मैं रखती हूँ. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा. सो दैट आप लोग मेरी वीडियो देख पाओगे. नोटिफिकेशन आएगा आपको कि मैंने वीडियो डाला है. जनरली मैं एवरी अल्टरनेट डे वीडियो डालती हूँ 4 से 5 के बीच में. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं. एंड यस आई विल सी यू सुपर सून माय नेक्स्ट वीडियो गाइस. टिल देन बाय.